हम लोग भी किए, 2021 में नरेंद्र मोदी जी क्यों जनगण नहीं किया, इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी देना ही पड़ेगा कि उन लोगों का इरादा एक ही है, रिजर्वेशन रद्द करने का, इसीलिए जनगण नहीं किए। रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं, वहीं पे अमित शाह पे आरोप लगा रहे हैं कि फेक वीडियो रिलीज कर दिया है और तेलंगाना के सीएम ने, उस पे क्या जवाब देंगे आप सर? मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, फेक वीडियो रिलीज करने का जरूरत क्या है? मैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के खिलाफ मैं चार्ज कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एजेंडा रिजर्वेशन हटाने का एजेंडा है, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं फेक वीडियो तैयार करने का क्या जरूरत है? ऑन रिकॉर्ड आई एम मेकिंग माई स्टेटमेंट टाइम एंड अगेन। सो वेन आई एम चार्जिंग अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी एंड अमित शाह जी, फेक वीडियो बनाने का क्या जरूरत है मुझे? मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, ऐसे छोटे छोटे कामों में मैं देखता भी नहीं जी। मगर दूसरे हाथ से लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट, मगर दिल्ली में एमएचए हमारे खिलाफ कंप्लेंट किए, भाई चुनाव में एक नेता के खिलाफ दूसरे नेता अगर आरोप लगाए, एक पार्टी के खिलाफ दूसरे पार्टी अगर आरोप लगाए, तो कंप्लेंट करने का जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता या कॉमन सिटीजन के जिम्मेदारी है। हमारे एमएचए हैज कंप्लेंट अगेंस्ट मी इन दिल्ली पुलिस जी, आपको समन भी किया गया? हाँ, तो मैं सीधा एजेंसी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के अलावा भी दिल्ली पुलिस भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए चुनाव जीतने के लिए। ऐसे ऐसे गलत कामों पे भारतीय जनता पार्टी जाना ठीक नहीं है जी। क्योंकि यहाँ पर सेम भारतीय जनता पार्टी के लोग तेलंगाना में भी कंप्लेन कर चुके, एफआईआर भी हो चुके, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किए। फिर एमएचए का क्या रोल है इसमें? एमएचए हैज टू रन द गवर्नमेंट, एमएचए कैनॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस। सो हाउ कम दिस डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्विंग इन दिस पॉलिटिकल प्रोसेस? सीधा दिख रहा है आंखों के सामने कि डिपार्टमेंट्स को मिसयूज कर रहे भारतीय जनता पार्टी। रेवंत जी, वहीं अगर हम हैदराबाद की बात करें तो बार बार सवाल आ रहा है, माधवी लता पूछ रही है कि क्या रिश्ता है ओवैसी जी का और कांग्रेस का और रेवंत रेड्डी का, कह रही है कि बैक डोर से ओवैसी जी की मदद कर रहे हैं रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी, इसका क्या जवाब देंगे? हमको बैकडोर से करने का क्या जरूरत है? जरूरत पड़े तो सीधा सीधा हम काम करते हैं, हम छुपा के मोदी जी जैसे, भारतीय जनता पार्टी जैसे काम हम नहीं करते जी। सचमुच कांग्रेस, अगर भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद सीट जीतना है तो मुसलमान को देना टिकट, क्योंकि 60-65% मुस्लिम से, जहां पर 30-35% हिंदू से, अब हिंदू को टिकट देकर मुसलमानों के खिलाफ आप बोलते जा रहे हैं तो पोलराइजेशन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अगर मुसलमान के लोग अगर असद को हराना है तो भी आपके भाषण के वजह से वो लोग फिर असद को वोट देना पड़ रहा है। तो हिंदू टिकट देकर मुस्लिम पोलराइजेशन कर देकर असद को जिताने के लिए अमित भाई और नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर रहे, क्योंकि दूसरे जगह में असदुद्दीन ओवैसी हिंदू पोलराइजेशन कर दे के बीजेपी को दे रहा है जी। तो ये माधवी लता जी अभी राजनीति में कितना एक्सपीरियंस है मुझे पता नहीं है, उनके पार्टी दिल्ली का नेता क्या क्या कर रहा है, माधवी जी अगर जानकारी किए तो ठीक रहेगी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जी मिले हुए और माधवी लता को पता भी नहीं है इसका? शायद पता भी होगा अगर नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि उनके हाईकमांड के खिलाफ बोलना बोले तो इतना आसान नहीं है, कोई भी अगर बोले तो सब लोगों को एजेंसी घर पे आगे आ जाएंगे अगले दिन, क्योंकि कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर था ना, उन्होंने बीजेपी और मोदी जी अमित भाई के खिलाफ बोले तो उनके घर पे सब एजेंसी गए, तो खुद के पार्टी में, बाहर के पार्टी में कोई भी उन लोगों के खिलाफ अगर कुछ कहा तो सीधा सीधा एजेंसी आ जाएंगे, वो डर तो भी होगा जी। रेवंत जी, वहीं अगर हम बात करें, आप राहुल जी के नामांकन में भी थे रायबरेली में, मैंने आपको देखा, काफी भीड़ भी वहां पे जुड़ी हुई थी, वायनाड से आपके नेता काफी कॉन्फिडेंट है, आपके लीडर्स हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, काफी कॉन्फिडेंस से वायनाड से राहुल गांधी जी जीत रहे हैं, ये भी अब कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि रायबरेली से भी जीत रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि अगर दोनों सीट से जीतते हैं तो कौन सा सीट रखना चाहिए राहुल? अभी सीडब्ल्यूसी में चर्चा करना है, क्यों मैं अकेला तय नहीं कर सकता हूँ, पार्टी का जरूरत क्या है, राहुल जी कहाँ से रिप्रेजेंट किए तो इस देश के लिए अच्छा है,
आम जनता के लिए अच्छा है। अभी पार्टी सब बैठकर CWC हैज टू डिसाइड। तो आपको लगता है कि रायबरेली से कॉन्फिडेंस है आप? यार डेफिनेटली 100% राहुल जी जब चुनाव लड़ रहे बोले तो राहुल जी हारने का सवाल ही नहीं है जी। तो 100% रायबरेली तो हम सीट जीतने का सीट है जी। तो अगर जीतते हैं तो रखेंगे? वो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी CWC हैज टू डिसाइड वायनाड से रिप्रेजेंट करने है या रायबरेली से जी। तो हम इंडिविजुअल तय नहीं कर सकते जी। रेवंत जी वही अगर हम बात करें अमेठी की बात करें, KL शर्मा जी वहां से लड़ रहे हैं, प्रियंका जी वहां पे अब कैंपेनिंग शुरू कर दी है, कल से वो वहीं पे हैं और कह रही है कि 18 तारीख तक वहीं रहेंगी। तो आपको लगता है कि प्रियंका जी को लड़ लेना चाहिए था अमेठी से, एक संदेश जाता? तो आप ये सवाल प्रियंका जी से पूछे तो आप सही जवाब मिलेंगे, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता हूँ। पार्टी हैज टू डिसाइड, CEC सेंट्रल इलेक्शन कमिटी हैज टू डिसाइड हु हैज टू फाइट फ्रॉम वेयर। सो वहां से जो निर्णय हो जाएंगे, मैं CEC मेंबर भी नहीं हूँ तो इसीलिए मुझे पता नहीं। CEC हैज टू डिसाइड हुएवर इज कंटेस्टिंग फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। सर KCR ने कल PTI को एक इंटरव्यू दिया है, कल उन्होंने कांग्रेस की गारंटीज की बात की है और कहा है उन्होंने जो कांग्रेस की गारंटी है वो